तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉलीवुड कैफे में। और मैं आज आपको रेडियस मूवी का प्लॉट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आदमी बन गया मौत का सौदागर, कैसे ही उसके पास आते लोग मर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी पलटी हुई होती है, उसका एक्सीडेंट हुआ होता है, और वहाँ से एक आदमी उठकर आता है। धीरे 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 वो एक रोड पर पहुँचता है। वहाँ उसके सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। उस गाड़ी को से देखकर वो लिफ्ट मांगता है, और जैसे ही उस गाड़ी उसके पास आती है इंडिकेटर देकर, गाड़ी एकदम से अपने रास्ते सड़क पे से हटकर नीचे आ जाती है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो पोल में टकरा जाती है। यह देखकर वो आदमी डर जाता है, और जब वो जाकर देखता है उस गाड़ी की खिड़की खोलकर, तो देखता है जो उसमें गाड़ी में औरत थी वो मर चुकी थी। उसकी आंख बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, उस औरत की जो मर गई थी। यह देखकर वो आदमी फ़ोन मिलाता है एम्बुलेंस वालों को, कहता है कि हमारे यहाँ पर एक इमरजेंसी हो गई है, एक औरत मर गई है लगता है मुझे। वो औरत पूछती, वो जो हेल्थ केयर वाली है वो पूछती है कि आप कहाँ पर हो सर। वो कहता है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है वुडमोर कंट्री का, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, ये एक रोड है वुडमोर कंट्री में कहीं पर। फिर वो औरत उससे उसका नाम पूछती है, पर वो आदमी अपना नाम ही बोल जाता है, उसे अपना नाम ही नहीं पता होता। तो वो अपना एक पर्स निकाल कर उसमें अपनी आइडेंटिटी देखता है, और उसे पर वो तभी अपना फ़ोन काट देता है। फिर वो वहाँ से चलने लगता है। धीरे धीरे चलते चलते वो एक देख होटल में पहुँचता है। वो जैसे ही गेट खोल के अंदर होटल के अंदर जाकर देखता है, वहाँ पर सब मरे हुए होते हैं। वो देख कर डर जाता है, उसे लगता है कि यहाँ पर कोई वायरस फैल गया जिससे लोगों की मौत हो रही है। बाहर भी एक गाड़ी में चलता चलता एक आदमी मर जाता है। यह देखकर और डर जाता है, वो भागकर अपने घर पर चला जाता है। और वो अपने घर में ही दरवाजा तोड़कर घुसता है, तो ये थोड़ी बात अच्छी सी है। तो वो अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो तैयारी कर रहा होता अपनी, वहां पर वो जहां से वो तोड़कर अंदर आया था वहां पर वो टेप लगा देता है। वो आइसोलेट हो जाता है बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसा लगता है उसे कि बाहर कोई वायरस है जिससे लोग मर रहे हैं, वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। और वो जब अपनी खिड़की के पास खड़ा होता है ना, वो देखता है कि बाहर एक आदमी है जो अपना ट्रैक्टर चालू कर रहा होता है। वो उस आदमी से चिल्ला के कहता है कि भाई यहाँ से चले जाओ, बाहर वायरस है, तुम मारे जाओगे, तुम अपने घर पर चले जाओ। पर वो खिड़की के अंदर था तो बाहर आवाज नहीं जा रही थी। तो वो अंदर जाकर चॉपिंग बोर्ड लाता है और उस पर कुछ लिखता है कि गो होम, देर इज नो सेफ आउटसाइड। पर वो आदमी उसे दिख पड़ने के लिए जैसे ही करीब आता है, वो आदमी मर जाता है। यह देखकर वो भी हैरान हो जाता है, ये मर गया, बाहर बाहर कोई वायरस है। वो बाहर निकल कर जाता है, देखता है कि ये चक्कर क्या, ये मर कैसे गया। फिर वो जाता है एक उसे वो भीतर आकर वापस लेट जाता है, और वो टेंशन में हो जाता है कि ये हो क्या रहा, ये सब मर क्यों रहे हैं और मैं क्यों नहीं मर रहा। फिर उसे बहुत तेज तेज कौवे की आवाज़ आने लगती, काँव काँव। तो वो बाहर जाकर देखता है, उसके सामने बिल्कुल एक कौवा बैठा होता है, करीब थोड़ी दूरी पर उससे। वो उसके पास धीरे धीरे चल के जाने की कोशिश करता है, करता करता है, जब उसमें थोड़ी दूरी कम होती है ना, वो एकदम से कौवा मर जाता है। यह देखकर जो लाइम होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और उसे पता लगता है कि ये तो सब उसी की वजह से मर रहे हैं। और ये उसने रेडियो पे अनाउंसमेंट सुनी थी कि बाहर कोई वायरस फैला हुआ है, और उसने इस बात पर यकीन कर लिया था कि बाहर वायरस है। पर जब उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी वजह से मरा, तो उसकी तो हालत खराब हो गई। तो इसलिए वो अपने आपको एक आइस एक अलग से कैबिन में बंद कर देता है। पर उसके घर के पास आ जाती है पुलिस, वो डर जाता है क्योंकि उसके पास आते ही पुलिस वाले तो मर जाएंगे, नहीं पता एकदम से ऐसे एक सेकंड में मर जाते हैं। उसके पास जो जाता है वो मौत का सौदागर बन जाता है। तो फिर उसे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होता है, उसे अपनी पुरानी मेमोरी भी याद आ रही होती है सपनों में, पर उसे अच्छी तरह क्लियर नहीं हो पाती कि ये हो क्या रहा। उसे एक बिजली पड़ने की दिखती है कि बिजली पड़ रही है, और वो गाड़ी भी पलट गई है उसकी। तो फिर जब वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं उसके घर पे, वो छुप जाता है, और वो बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं ये पुलिस वाले मुझसे मर ना जाए और मेरा अच्छा भला केस बन जाएगा अगर उन्हें पता लग गया कि जो भी लोग मरे हैं वो इसकी वजह से मरे हैं।
पर जैसे ही वो उसे ढूंढने लगते हैं पुलिस वाले, और जैसे ही वो उसके जो उसका रेडियस होता है ना, फिल्म का नाम भी रेडियस है, जैसे उसके पास आने लगती है लाइम के पास, वो छुपा हुआ होता है, तभी ऊपर से कबूतर मर के नीचे पड़ जाते हैं, यह देखकर डर जाती है, और वो पुलिस वाली वहां से चली जाती है अपने उस दूसरे साथी को कहते हुए कि यहाँ पर एमरजेंसी, हमें देखना होगा कि ये कबूतर भी वैसे मर गए जैसे वे लोग मर गए थे। और फिर लाइम वहां पर कैबिन में जाकर छुप जाता है। रात को उसे आवाज आती है खड़खड़ की। वो बाहर देखता है तो एक औरत होती है, पर वो जैसे ही वो वापस छुपने की कोशिश करता है, उससे कुछ सामान गिर जाता है, और उसे भी पता चल जाता है कि अंदर कोई है उस औरत को। और फिर वो कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, पर वो कहता है कि मुझसे दूर रहना। वो अंदर से ही कहता है मुझसे दूर रहना, तुम मर जाओगी, मेरे से दूर चली जाओ। पर वो औरत नहीं मानती, वो आगे खटखटाने लगती है, और लाइम भी सोचता है ये मरी क्यों नहीं मेरे पास आने से। फिर वो उसके पास आ जाती है। वो औरत कहती है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं, और जो आखिरी चीज़ मुझे याद है कि वो मैं एक लाइम हार्टवेल आदमी के साथ थी, और वो गाड़ी तुम्हारी थी, इसलिए मुझे पता चला कि वो लाइम हार्टवेल तुम हो। तो वो अंदर चले जाते हैं उसके घर में लाइम हार्टवेल के, और फिर वहां जाकर उसे एकदम से एक मेमोरी याद आती है जो लाइम हार्टवेल होता है, और उसे अपना नाम याद नहीं होता उस औरत को कि उसका नाम क्या, वो ही भूल गई थी उसकी तरह। लाइम हार्टवेल को एकदम से एक मेमोरी फ्लैशबैक याद आता है, वुडमोर कंट्री, और उसे वो औरत भी दिखाई देती है अपने उस फ्लैशबैक में जो उसके दिमाग में चल रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं, एक हम स्मिथ बर्ग ओक वेल ब्रिज पर मिले थे, याद है तुम्हें, द स्मिथ बर्ग ओक वेल ब्रिज। फिर भी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं स्मिथ बर्ग ओकवेल ब्रिज पर, और फिर वहां जाकर वे छानबीन करने लगते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। फिर जो औरत होती है ना, वो अपना उसे नाम भी बता देती है जब वे गाड़ी में चल रहे होते हैं, जेन, लोग मुझे जेन जेन कह रहे हैं तो मैं इसे ही अपना नाम मान लेती हूँ जेन। तो जेन कहती है कि उसे भी एक फ्लैशबैक आता है, वो देखती है कि उसके हाथ में एक कागज होता है, और वो उसे नीचे गिर जाता पानी में, और उसे वो भी दिखाई देता लाइम, लाइम भी दिखाई देता जो उससे कुछ कह रहा होता है। फिर वो जेन उसे बताती है कि मेरे हाथ में कुछ कागज था, मैं रो रही थी, मैंने कुछ मिस कर रही थी बहुत ज्यादा, और वो कागज है वो मुझसे नीचे गिर जाता है। फिर जो वो होता है ना लाइम, उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वहां जाते हैं, और वहां से नीचे उतर कर एक जगह पर जाते हैं ना, तो वहां एक बड़ा सा ब्लैक कलर का वो बना होता है, जैसे कोई जला देते हैं ना शेरिए को, तो वहां से बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, वैसे एक सर्कल में ब्लैक बना हुआ होता है। और फिर वे वहां जाकर देखते हैं, और फिर जो वो लाइम होता है ना, वो जेन से कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमें लगता है कि हमारे साथ जो हुआ है वो यही हुआ है, इससे हमारी सारी मेमोरी चली गई है। जो वो लाइम होता है वो एक दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है सर्कल के, और जेन से कहता है कि तुम उस तरफ खड़ी हो जाओ, और वो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। तो लाइम कहता है कि मैं तुमसे एक बात बताना चाहता था पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ। क्या, वो कहता है कि जो भी वे लोग मरे हैं ना, अभी किसी वायरस की वजह से नहीं मरे, वो मेरी वजह से मरे हैं, मैं जैसे ही लोगों के पास जाता हूँ वे मर जाते हैं। ये सुनकर जेन बहुत ज़्यादा डर जाती है, उस पर चिल्लाने लगते हैं तुमने मुझे इतनी ज़रूरी बात क्यों नहीं बताई, अगर मैं मर जाती तो तुम क्या कर लेते। तो लाइम कहता है नहीं, अब वो मेरी अंदर की जो सारी शक्ति है वो चली गई है, मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ। फिर ये उनकी लड़ाई हो जाती है, वो जेन जाने लगती है, और वहाँ पर एक गाड़ी आती है। जब इनकी बहस हो रही होती है ना लाइम और जेन की, उस गाड़ी में एक औरत होती है जो फ़ोन पे बात कर रही होती है अपने बेटी से, नहीं बेटे से कर रही होती है, और फिर वो कहती है कि नहीं तुम ठीक हो ना, तुम आपस में लड़ाई कर रहे। उन कहती है हाँ हम ठीक है आप जाओ, लाइम उससे कहता औरत से, और जेन दूर चली जाती है, दूर जा रही होती है, जा रही होती जा रही होती है, वो औरत गाड़ी से उतरती है, उसके हाथ में बैच होता है पुलिस का, और वो कहती है कि तुम लाइम हटवाल हो ना, वो कहता हाँ। वो एकदम से पुलिस वाली वहीं मर जाती है, एकदम से पड़ जाती है। यह देखकर जेन की हालत खराब, गंदी वाली हालत खराब हो जाती है जेन की, जेन बहुत ज्यादा डर जाती है, और
लाइम उसकी तरफ भागने लगता है, जेन की तरफ, कि मुझसे दूर मत भागो, मुझसे दूर मत भागो, ऐसे मत भागो मेरे। फिर उसके बाद लाइम जेन को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक जगह पर ले जाता है, खुली जगह पर। वहाँ पर एक भेड़ बंधी हुई होती है, और फिर वह वहाँ जाते हैं, और वो जेन से कहता है कि तुम मुझसे दूर जाने लगो, दूर जाने। जब जेन उसके पास खड़ी होती है ना, लाइम के पास, तो वो भेड़ नहीं मरती, पर जैसे ही वो जेन और उसमें दूरी बढ़ती जाती है ना लाइम की, और एक वो बिल्कुल क्रॉस कर जाती है उसका रेडियस, वो एकदम से भेड़ मर जाती है। यह देखकर जेन कहती है कि तुम्हें हमें एक हॉस्पिटल में जाना होगा, तुम्हें एक हॉस्पिटल में ले जाना होगा, वहाँ पर तुम्हारा सिटी स्कैन होगा। मेरा भी सिटी स्कैन हुआ था जब मैंने उनसे कहा था कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। तो लाइम कहता है कि ये अमू ने बताएंगी क्या, ये वे मुझे बात पर विश्वास करेंगे, बल्कि वे मुझे जेल में डाल देंगे, एक पुलिस अफसर की मौत हो गई है मेरी वजह से, और मैंने इतने सारे लोगों को भी मार दिया, उसका क्या। फिर उसके बाद फिर भी वो जेन उसे जिद करके उसमें ले जाती है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसका सीटी स्कैन होता है। और जब वे स्कैन उसका पूरा हो जाता है, वे एक हॉल में जाकर आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वे देखते हैं पुलिस वाले वहाँ आ रहे होते हैं, और फिर वे देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो डॉक्टर से कहता है कि सीटी स्कैन में क्या आया, मेरे सीटी स्कैन में क्या क्या आया। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं आया। फिर वे एकदम से वहाँ से भागने लगते हैं, फिर जो पुलिस वाले भी उनके पीछे लग जाते हैं, और वो एकदम से भाग कर वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं ना एक एलिवेटर के सामने, तो जेन वहाँ पर रुक जाती है एकदम से, और जो लाइम होता है वो एलिवेटर के अंदर चला जाता है। जेन एकदम से कुछ देख रही होती है, एक फोटो लगे होते हैं वहाँ पर बहुत सारे। फिर अचानक एलिवेटर बंद हो जाता है। यह देखकर लाइम और जेन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अगर उनमें एलिवेटर नीचे जा रही थी, और जेन और लाइम में अगर ज़्यादा दूरी होगी, और एलिवेटर में चार पांच आदमी थे, वे सब मर जाएंगे, और लाइम उनसे कह रहा है कि जैसे ही एलिवेटर नीचे पहुँचे तुम भाग जाना उन लोगों से। और जेन भी सीढ़ियों से बहुत जल्दी जल्दी नीचे जा रही होती, बहुत जल्दी जल्दी, और फिर वे आदमी लोग बच जाते हैं, वे भाग जाते हैं वहाँ पर, और लाइम और जेन गाड़ी में बैठकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और वे जब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पहुँचते हैं, मतलब एक खुला इलाका, वहाँ पर पहुँच जाते हैं शहर से दूर, वहाँ पर जब जेन ना रेडियो सुन रही होती है, और उसमें अनाउंसमेंट हो रही होती है कि वो कह रहा होता है, एक आदमी सैम वो कह रहा होता है कि जो जो जेन है ना औरत, उसका नाम जेन नहीं है, वो उसका नाम है रोज, और वो मेरी बीवी है, और वो कह रहा है कि तुम वापस आओ, तुम किस मसले में फंस गई हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उससे निकलने में। और लाइम भी सुन रहा होता है दूर खड़ा हुआ, और लाइम उससे कहता है कि तुम्हें मेरा इसमें साथ देने की जेन बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम अपने घर पर जा सकती हो। फिर जो रोज होती है, अब उसका नाम रोज होगा, जेन नहीं, रोज, उसका असली नाम अब रोज है। तो रोज उससे कहती है कि नहीं 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 मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं भी उतनी ज़्यादा गुनहगार हूँ जितने तुम, पुलिस भी मुझे उतनी बुरी तरह से ढूंढ रही है जितना तुम्हें ढूंढ रही है। फिर उसके बाद वे सैम के घर पर पहुंच जाते हैं, सैम को एक गाड़ी में बैठाते हैं और चले जाते हैं खुले इलाके में, उसे ये दिखाने कि वो सच में किसी को मार सकता है। पर सैम इस बात पर यकीन नहीं करता कि यार तुम मेरा फद्दू काट रहे हो, मैं नहीं मानता, या ऐसे कोई मरता है क्या। तो लाइम होता उसे एक नमूना दिखाता है, वो कबूतरों को मार के दिखाता है, वो जेन से थोड़ी दूरी, वो जो रोज से थोड़ी दूरी बनाता है, और कबूतर को मार के दिखाता है, और कहता है कि रोज और लाइम मेरे और बीच में, रोज और बीच में थोड़ी ज़्यादा दूरी होती है, के साथ लोग मेरे जो आसपास होते हैं वे मरने लगते हैं। यह देखकर सैम बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो अपने उन्हें एक स्टोर में ले जाता है। वहां जाकर कहता है कि तो हम यहाँ पर 3 4 दिन बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, हम छिपे रहेंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा, इतने मीडिया में बात दब जाएगी। फिर वहाँ पर जो रोज होती है उसे अपना एक फोटो मिलता है, उस पर लिखा होता है लिली ग्रेसन मिसिंग। यह देखकर वो डर जाती है और पूछती है सैम, ये तो मेरी फोटो है, मेरा नाम लिली है क्या। तो उसका हस्बैंड होता है सैम, वो कहता है नहीं ये तुम्हारी फोटो नहीं, ये तुम्हारी बहन की फोटो है, और वो 1 साल पहले गायब हुई थी, और तुम उसे 1 साल से ढूंढ रही हो, 1 साल से, 1 साल थोड़ा नहीं होता, और हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है ना इस बात पे, तुम और हमारी पिछली बार तुम घर से इसलिए भागी थी 1 हफ्ते पहले, कि तुम इस बार भी उसके पोस्टर वो प्रिंट कर रही थी मिसिंग के,
और मैंने तुमसे कहा था कि अब वो नहीं मिलेगी, फिर हमारी लड़ाई जो हो गई थी और तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, पर मुझे लगा था तुम वापस आ जाओगे एक दो दिन में क्योंकि तुम हर बार आ जाती हो, पर इस बार तो बिल्कुल नहीं आई। फिर इसके बाद जो होता है, जो रोज होती है ना, उसे एक फिर फ्लैशबैक आता है। इस बार उसे आता है कि वो एक ब्रिज के टॉप पर खड़ी है और उसके हाथ में लिली ग्रेसन है, जो उसकी बहन का हाथ में पोस्टर है। और तभी वहां पर लाइम आता है, जो वो ब्रिज बताया था मैंने वहां पर, और कहता है कि आत्महत्या क्यों कर रही हो, इतने से नीचे कूद कर तुम आत्महत्या नहीं कर सकती, इतने में गिर कर तो तुम्हारी सिर्फ गर्दन टूटेगी और तुम्हारी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बीतेगी। और लाइम उसे वहां से उतार लेता है और फिर उसे अपने साथ कहता है कि चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, कि मैं तुम्हें जहाँ भी जाना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद वो ये बात रोज लाइम को बताती है। फिर थोड़ी देर जब कुछ काम कर रहा होता है लाइम, उसे फिर एक फ्लैशबैक आता है, और वो उसे फ्लैशबैक आता है कि वो एक गाड़ी में जा रहा होता है रोज के साथ, और वो कह रहा होता है कि मेरे पास एक प्लेस है नॉर्थ में जहाँ पर ना कोई नेबर्स है, ना कोई सिटी, ना कोई आदमी, सिर्फ सन्नाटा। वहाँ तुम आराम से रह सकती हो जो भी तुम्हारी तकलीफ हो। और रोज भी कहती है कि हाँ मैं जाना चाहूँगी वहाँ पर। ये बात जब उसे याद आती है तो वो जबी तभी सैम को बताता है और वो उसे एक मैप मांगता है। फिर वे वहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि हम रात को वहीं निकल रहे हैं। फिर थोड़ी देर में सैम आता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। सैम कहता है कि तुम्हें अभी निकलना होगा, अब देर हो गई है। तो लाइम चल गुस्से में एकदम से डर जाता है, गुस्से में आ जाता है कि तो इसने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस यहाँ पर आने वाली है, और पुलिस उन्हें पूरी तरह से ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, सैम को भी वे गाड़ी में बंद कर देते हैं। और जो लाइम है और रोज है ना, ने भी अलग अलग कैद करने के लिए कोशिश करते हैं, पर लाइम कहता नहीं मुझे दूर मत करो, दूर मत करो, तुम अपनी मौत को खुद लिख रहे हो। फिर तभी जैसे ही वो दूर करते हैं रोज और लाइम को, एकदम से सब पुलिस वाले मर जाते हैं। और वे तभी लाइम और जेन रोने लगता है, लाइम और रोज वहाँ पर एक उस गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं वहाँ से, और सैम भी वहीं रह जाता है। सैम कहता है कि मैं इन ये सब मेरे को बताना भी तो पड़ेगा, ये मरे कैसे, मैं तुम्हारा एक गवाही हूँ, जो मिडल मैन हूँ तुम्हारा। फिर वे वहाँ से बैठकर वो एक पहले तो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, वहाँ से पेट्रोल भरते हैं और कुछ शॉपिंग करते हैं। जैसे ही वे शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर एक टीवी चल रहा होता है, टीवी में दिखाया जाता है कि सैटेलाइट है ना, उसकी वजह से कुछ बिजली गिरती है, और वे समझ जाते हैं कि इस सैटेलाइट की बिजली की वजह से हमारा ये हाल हुआ है, जो हमारी मेमोरीज ऐसे होने लग रही है। और वे वहाँ से निकलते हैं पेट्रोल पंप पे से, तभी उनके पीछे एक गाड़ी लग जाती है। फिर वे जो होते हैं ना लाइम और रोज, वे एक घर से में पूछते हैं, वो सन्नाटा इलाका, एक लकड़ी का सा घर होता है, और वे वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक कुछ दारू की बोतल भी होती है। फिर वहाँ पर वो कहता है, बोट के पास चला जाता है जो लाइम होता है, उससे कहकर कि मैं एक बार बाहर जा रहा हूँ। तो वो एक बोट में बैठ जाता है और जो नदी के बीच में चला जाता है। और ये सीन उसे फ्लैशबैक में भी याद आया था कि वो एक बार बोट में बैठा होता है, उसे ये सीन। तो वो अंजाम कर उस बोट में बैठ जाता है। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जो रोज है ना वहाँ पर उसके केबिन से में कुछ कागज निकाल रही होती है। तभी उसे एक बक्सा सा मिलता है, वो बक्सा पतला सा होता है, उस बक्से को निकालती है, उसके अंदर एक डायरी सी होती है, वो डायरी को पलट रही होती है। और दूसरी तरफ लाइम को भी एक फ्लैशबैक आने लग रहे होते हैं कि उसने एक लाश को लेकर जो कट्टे में बांधी हुई थी, उसने पानी में गिर दिया एक लाश को। और उसे जो दूसरी तरफ जो होती है रोज, वो किताबें पढ़ रही होती है, और उसके उसके अंदर एक पेज लगा होता है मिसिंग, और उसके बारे में लिखा होता है मिसिंग, कोई पर्सन होता है मिसिंग, उसके बारे में लिखा होता है। वो पेज पलटती जाती है, तभी उसने अपनी बहन का फोटो दिखता है, मिसिंग लिली ग्रेसन, और उसके बारे में लिखा होता है। यह देखकर वो रोने लग जाती है रोज, और रोज को भी एक फ्लैशबैक आता है कि वे गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो उस पर हमला कर देता है लाइम, और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है बेहोशी का, ताकि वो उसे भी किडनैप करके मार सके। और उसने बहुत सारी औरतों को भी मारा था और उसकी बहन को भी मार दिया था। और तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वे वहां पर उस जगह पर पड़ जाते हैं, और तभी उन पर बिजली पड़ जाती है। ये सीन उसे दिखाई देता है, यह देखकर वो रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो लाइम होता है, वो बोट में बैठकर बहुत डरा हुआ होता है, और उसे भी ये फ्लैशबैक आ रहा होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और रो रहा होता है। और तभी उसके पीछे
तभी वो बाहर निकलता है पानी से, और वहां पर बिंदु को लेकर खड़ी हुई होती है रोज। कहती है कि तुमने मेरी बहन को मारा है। क्यों मारा, कहाँ पर है वो? वो पानी की तरफ इशारा करता है और वो कहती है कि उसे उसकी लाश बाहर निकालो। पर वो जो लाइम होता है वो थोड़ी अंदर पानी के जाकर वापस बाहर आ जाता है। तभी जो उनके पीछे गाड़ी पीछे लग कर रही थी ना, तभी उस वो गाड़ी वहां पर पहुंचते और उसमें से आदमी निकलते बहुत सारे, और वे सब हथियार ले रहे होते हैं, बंदूक, और वे उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। और जो वो होता है ना लाइम और रोज को अलग कर देते हैं, और वो जो मना कर रही होती है रोज कि उसे दूर मत करो, दूर मत करो, तुम सब मारे जाओगे, और जैसे वो दूर होता है वे मर जाते हैं। यह देखकर जो उसका बेटा होता है ना, जो उस आदमी का मारने के लिए आया होता है, वो भी चिल्लाने लगा था कि ये तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया। रोज वहां से भागने लगती है, तभी वो उस पर गोली चला देता है। रोज के पेट में गोली लग जाती है और लाइम उस आदमी के पास पहुंच जाता है और वो मर जाता है आदमी। और वो उस और लाइम है रोज को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, और वहां से बंदूक भी उठा लेता है उस लड़के की जिसने गोली चलाई थी उस पर, रोज पर, और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचकर वो उसे एडमिट करवा देता है और उसे बेड पर लेटा कर ले जा रहे होते हैं, स्ट्रेचर पर वो लेटा कर उसे अंदर हॉस्पिटल के। और वो रोज कह रही होती है कि लाइम कहाँ पर है, लाइम कहाँ पर है, और वो दूर दूर खड़ा होकर देख रहा होता है लाइम। और वो एकदम से अपनी बिंदु को निकाल कर अपने आप को गोली मार लेता है। ये देख कर रोज भी रोने लग जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी मेरी इस रेडियस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबका धन्यवाद। Thank you.